हाथरस कांड और यूपी की योगी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार के निषेधार्थ भव्य मशाल रैली निकाली गई। इस रैली में सर्वदलीय नेताओं ने हिस्सा लिया। तृतीय पंथ की महिलाओं ने भी समर्थन देने के लिए और हाथरस की बेटी को न्याय देने की मांग के लिए रैली में शामिल हुई। ये पहला मौका है जिसमें तृतीय पंथी समाज की महिलाएं हिस्सा ली। सभी प्रमुख प्रवक्ताओं की एक ही मांग थी कि हाथरस की बेटी के दरिंदों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर फांसी की सजा हो। आंदोलनकारियों में वाल्मीकि समाज की महिलाओं की संख्या ज्यादा देखने को मिली। ये मशाल रैली मिलन नगर के वाल्मीकि आश्रम से निकलकर डीलक्स चौक के रास्ते शगुन चौक तक पहुंची। शगुन चौक पर रैली महासभा में परिवर्तित हो गई। भारी संख्या में पुलिस अधिकारी कर्मचारी तैनात दिखे। जोड़ शहर में जितने भी पार्टियां हैं, जैसे कि कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, शिवसेना है और बाकी सभी संगठन आरपीआई है और काफी यहाँ पर संगठन इस मोर्चे में शामिल हुई है। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हाथरस में जो घटना हुई है उसका निषेध करने के लिए हम यहाँ पर आज पिंपरी चिंचवड़ में हम इकट्ठा हुए हैं और हमारी जो बहन है मनीषा, उसके ऊपर जो मीडिया ट्रायल हो रहा है वो मीडिया ट्रायल ना हो और उसके जो जिन्होंने उसके ऊपर अन्याय अत्याचार किया है उन आरोपियों को फांसी हो, यही हमारी मांग है। उद्देश्य ऐसे है कि सभी समाज के पदाधिकारी और सभी समाज की संगठनाएं और यहाँ पर जो नेशनल लेवल की संगठना है और सभी समाज की दलित समाज की संगठनाएं, हमने सब मिलकर एक साथ महारैली का आयोजन किया हुआ है। हमारे वाल्मीकि आश्रम के वहाँ पर पुष्पगुच्छ अर्पण करके ये शगुन चौक तक हमारा रैली का आयोजन था। यह रैली का उद्देश्य ऐसा है कि इस यूपी सरकार, इस योगी सरकार, ये ढोंगी सरकार लेडीजों को न्याय नहीं दे पाती। आप सबको ज्ञात होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ना हमारी कोई बेटी बच रही है, ना कोई पढ़ रही है, ना उनको अच्छे शिक्षा मिल रही है। हमने आज हमारी बहन हाथरस जिले में जिसके साथ वो कृत्य, वो हरामी लोगों ने, वो गंदे लोगों ने, वो स्वर्ण पदक के गंदे लोगों ने, वो स्वर्ण समाज के गंदे लोगों ने जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है, उनको हम सब की तरफ से आज आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी समाज के लोग हैं। इनवन किन्नर समाज भी यहाँ पर उपस्थित है। हमारा आप सभी को मीडिया को और सोशल मीडिया को ये अनुरोध है कि हमारी आवाज़ दिल्ली तक पहुँचाए और हमारी बहन मनीषा को न्याय लेके दे, उन लोगों को फांसी दे। मनीषा जी के ऊपर जो बलात्कार किया है, वो बलात्कार का विरोध करने के लिए, जिन बलात्कारियों ने उनके ऊपर बलात्कार किया उनका निषेध करने के लिए यहाँ पे हम लोग सब इकट्ठे हुए। हमारे माता बहनी है, हमारे भाई साहब है और हमारे तृतीयपंथी समाज मतलब किन्नर समाज हमारे पिंपरी चिंचवड़ के जो है उनके तरफ से मैं उनकी अध्यक्ष दलजीत उर्फ सुनील भाऊ, हम भी यहाँ पे उपस्थित है उसका जाहिर निषेध करने के लिए। हमारा कहना यह है कि जो बलात्कारी है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। बस हमारा यही नम्र निवेदन है सरकार से कि उन्हें फांसी से शिक्षा होकर उनके माँ बाप को और इस समाज को न्याय देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसआरएस न्यूज़, पिंपरी चिंचवड़, पुणे।